हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पुनः एक बार। देखिएगा, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से एक तिहाई समय में कर पाता है। ठीक है, क्या बोला गया है? ए जो है ए बी से किए हुए काम में 50%, यानी ए जो है बी से किए हुए काम में 50%। तो अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ए का काम यहाँ से हम निकालेंगे तो ए का कार्य अगर निकालेंगे तो ए का कितना होगा? एक। बी का कितना हो जाएगा? दो। ठीक है, वो कितने समय? बी द्वारा लिए गए समय से कितना? एक तिहाई समय से कितना? बी द्वारा लिए गए एक समय से एक तिहाई। तो इसका कितना हो जाएगा? एक। और इसका कितना हो जाएगा? बी का तीन। ये क्या होगा? समय। ठीक है, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे क्षमता का रेशियो, अगर निकालेंगे तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा? क्षमता कार्य बटे क्या होता है? समय। कार्य बटे समय करेंगे तो यहाँ पर 1/1 करेंगे तो एक ही रहेगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम 2/3 करेंगे। तो अगर 2/3 करेंगे तो ये 3 कहाँ जाएगा? इसके गुणे में आ जाएगा, यानी या फिर क्या इनका एलसीएम हो जाएगा। तो आप एलसीएम लेके 3 से इसमें गुणा भी कर सकते हो, 3 से 3 एक कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3:2, यानी कि इनकी क्षमता कितनी आ गई? क्षमता आ गई एक दिन में कितना? एक कितना काम? एक की क्षमता एक दिन में कितना है? 3 है। बी की कितना है? तो यानी कि एक काम कर रहा कितना? 3, और बी कितना कर रहा? 2। अब यहाँ पर बोला गया है ये दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, दोनों मिलकर यहाँ पर काम कितना दिन में कर पा रहे हैं? 3, 2, 5। दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर पा रहे हैं? दोनों मिलकर यहाँ पर काम कितना कर पा रहे हैं? दोनों मिलकर काम कितना कर पा रहे हैं? यहाँ पर देखना दोनों की क्षमता कितनी है? 3:2। अगर दोनों को देखें जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 5। और 5 करते हैं, अब करते कितने दिन तक हैं? 10 दिन तक करते हैं। एक दिन में 5 करते हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे? 10 × 5 = 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। बोला गया है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी का कितना है? बी का क्षमता कितना है? 2 है। तो बी क्षमता से इसमें क्या कर दीजिए? आप भाग कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 25। तो बी कितना करेगा? बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बी कितने दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। ठीक, अगला देख लीजिए। अगला बोला गया है एक काम को ए 6 दिन में, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है। ए यानी कि एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है। बी से 25% अधिक कुशल है, यानी कि बी जिससे जो है बी ए से बी ए से क्या है 25% अधिक कुशल है। कौन? बी किससे? ऐसे आप इसको अगर फ्रैक्शन से कर सकते हैं तो वो भी हो जाएगा, अगर 100% मान के कर सकते हो तो भी हो जाएगा। अगर इसको हम 100 मान लेते हैं, ये 100% है, तो ये कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। फिर काटोगे फिर आएगा वही, या फिर आप क्या करिए, ये 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 25 × 100, यानी 4। अगर ये होगा, क्या बोला गया है? बी जो है ए से 25% अधिक, यानी ये 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 25% अधिक है, कुशल है। बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ आपको देखना ये है कि ए कितने दिन तक काम करता है। यहाँ पर दिया है ए 6 दिन तक काम करता है। ए एक दिन में काम कितना करता है? 4 करता है। एक दिन में 4 करता है काम, करता कितने दिन तक है? 6 दिन तक करता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? कुल काम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 6 × 24। कुल काम कितना हो गया? 24 हो गया, 24 हो गया। अब क्या बोला गया है? बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बी की क्षमता कितनी है? 5। बस इस क्षमता से इसमें क्या करिए? कुल काम में भाग कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 × 20, 5 × 20 हो जाएगा। तो कितना बचा? 4 सही 4/5 दिन, 4 सही 4/5 दिन। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 4 सही 4/5 दिन। ये कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी से 20% कम काम करता है। ए बी से ए जो है बी से क्या करता है? 20% कम काम करता है। ए बी से
ए जो है बी से 20% कम काम करता है, तो 20% कम काम करता है, 20 पंचे कितना होता है 100, ए की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 20 का, आपको पता होगा फ्रैक्शन क्या होगा। अगर ए जो है बी से 20% कम करता तो 20 पंचे 100, 1/5 होता, तो 5 करेगा बी, ये कितना करेगा कम करता है, तो ये 4 करेगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में कर सकता है, यानी ए जो है एक काम को कितना 7 सही 1/2 घंटे में कर सकता है, घंटे में पूरा कर सकता है, घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक, तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है, तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। अब देखना है यहाँ पर कि ये काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, यहाँ से देख लो, ए 1 घंटे में काम कितना कर रहा है, काम कर रहा है, तो काम करता कितने घंटे तक, 7, तो इसमें क्या करना, 7 × 14 और 7 × 14 1/15 कितना 2, इसमें क्या करते हैं हम 4 से, ए ये कितना है 7 सही 1/2 घंटे तक काम करता है, 1 घंटे में इतना करता है, तो 7.5 घंटे में कितना करेगा, हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और 15 × 2 30, यानी टोटल कितने घंटे लगेंगे उसको 30, यानी कुल काम कितना हो जाएगा 30। बोला गया है बी उसे कितने घंटे में कर सकता है, यानी टोटल काम कितना आ गया हमारा 30 आ गया। अब बोला गया है बी उसे कितने घंटे में कर सकता है, तो बी की क्षमता देख लीजिए कितनी है, 5 है, बस 5 से इसमें क्या कर दीजिए, भाग कर दिया, 5 × 30, यानी कि इसके कितना हो जाएगा 6 घंटे में, बी कितना करेगा, बी कितने घंटे में करेगा 6 घंटों में इसमें समाप्त कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना जरा। बोला गया है एक कार्य करने के लिए ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:3:5 है, एक साथ काम करते हुए वे 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया, शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा है, तो जरा देखना कौन है, 3 है ए बी और कौन सी, इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना है, यानी कि क्षमता का रेशियो कितना है एक दिन का, 7:3:5 है। ठीक है, और तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन तक करते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन तक करते हैं, 21 दिनों तक करते हैं। ठीक है, काम करते कितने दिनों तक हैं, 21 दिनों तक करते हैं, एक दिन में काम कितना कर पा रहे हैं, क्षमता देख लो, एक दिन में ए की कितनी है 7, बी की कितनी है 3, सी की कितनी है 5, तो 7 × 3 = 10 = 5 = 15, यानी कि एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 15, और काम करते तीनों कितने दिन तक, 21 दिन तक, तो टोटल काम कितना कर लेंगे, तो आप क्या करिए इस 21 में 15 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 करना 15, और 15 × 2 = 30, वहाँ से लेकर 31 हो जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा 315, कुल काम कितना हो गया 315 हो गया। अब क्या बोला गया है कि बोला है फिर 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया, शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, यानी कि देख लो ए सी कितने दिन तक करते हैं, 15 दिनों तक करते हैं। अब यहाँ पर देखना ए और सी की क्षमता कितनी है, 7, 5, 12, यानी कि ए और सी एक दिन में काम कितना करते हैं, 12 काम करते हैं, और ये काम करते कितने दिन तक हैं, 15 दिन तक करते हैं, तो एक दिन में 12, तो 15 दिन में कितना काम कर लेंगे, 15 × 2 = 30, और कितना हो जाएगा, 15 × 15 और 3 = 18, यानी 180 हो जाएगा। टोटल हमारे पास काम कितना था, 315, इसमें से क्या करेंगे हम, ये ए और सी का 15 दिन का काम हटा देंगे तो कितना बचेगा, 5, और कितना, 8 × 3 = 11, ये यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ पर कितना बचा 1, यानी अब काम हमारे पास कितना बचा, शेष काम कितना बचा, 135। अब बोला गया है कि शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, तो बी की क्षमता कितनी है 3, तो बी ये शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो 3 इसकी क्षमता से भाग कर दी, 3 × 12, अब एक हासिल बचा, 3 × 5 = 15, यानी कितने दिन में कर लेगा सी उस काम, बी द्वारा उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो कितने दिन में कर लेगा, 45 दिन में।
ये इस क्वेश्चन का सलूशन है, एक बार फिर से देख लो। एक कार्य करने के लिए ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:3:5 है, एक साथ काम करते हुए 21 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तीनों की क्षमता कितनी थी, 7:3:5 के अनुपात में थी। तीनों कितने दिन तक काम करते हैं, 21 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में देख लो कितना काम करते हैं, 7 × 10 = 15 काम करते हैं। एक दिन में 15 करते हैं, काम करवाना कितने दिन तक, 21 दिन में। एक दिन में 15, तो 21 दिन में कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा, 315 हो जाएगा। फिर बोला गया है 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया, यानी कि अब ए और सी कितने 15 दिनों तक काम करते हैं। तो ए और सी का हमने एक दिन का काम देख लिया कितना हुआ, 7 और 5 = 12 हुआ, यानी कि ए और सी एक दिन में 12 करते हैं, और करते कितने दिन तक हैं, 15 दिन तक करते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, ए और सी का 180 हो जाएगा। तो टोटल काम हमारे पास 315 रहा है, उसमें से ए और सी का घटा दिए 180, तो कितना बचा हमारे पास, 135 काम बचा। अब बचा बोला गया है शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, तो शेष काम बचा 135। 135 को काउंट करने आएगा, बी आएगा, बी की क्षमता कितनी दी है, 3, और क्षमता से भाग कर दिए, इसमें 135 में कितना हो जाएगा, 3 × 12 3×5 = 15, यानी कि शेष काम कितना हो जाएगा, 45 दिन में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये चौथा क्वेश्चन है, देखिए जरा। ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 के अनुपात में है। ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात, एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:5:3 के अनुपात में, 2:5:3 के अनुपात में है। वे तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि तीनों मिलकर काम कितने दिन तक करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन तक, ए बी सी यानी 9 दिन तक काम करते हैं, यानी कि तीनों मिलकर कितने दिन तक करते हैं, 9 दिन तक काम करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन तक किया जाता है, 9 दिन तक किया जाता है, ठीक है। अब आपको देखना यह है कि तीनों एक दिन में काम कितना करते हैं, यानी जितना उनकी क्षमता होगी, क्षमता के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी है, 2, बी की क्षमता कितनी है, 5, सी की क्षमता कितनी है, 3। तो देख लो इनकी क्षमता कितनी है, क्षमता के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितनी क्षमता होगी उतना ही काम करेंगे। तो 2 और 5 कितना होगा, 5 × 2 = 7 और 3 = 10, कितना हो गया, 10, यानी कि एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, और हमको काम करवाना कितने दिन तक है, 9 दिन तक करवाना है। तो एक दिन में 10 काम है, तो 9 दिन में कितना हो जाएगा, 9 × 10 = 90, यानी टोटल काम कितना हो गया, कुल काम कितना हो गया, 90 हो गया। अब बोला क्या गया है, सी अकेले उस कार्य के 40% भाग को, यानी टोटल काम कितना हुआ, 90, टोटल काम 90 है, और बोला गया है सी, सी की क्षमता देख लीजिए कितनी है, 3। तो आप क्या करिए, इस टोटल काम में जिसका पूछा गया है उसकी क्षमता से भाग करिए। अब बोला है सी अकेले उस कार्य के 40%, इस कार्य के कितना 40% भाग को कितने समय में, कितने 40% भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखो 0 से 0 कट गया, ये से ये कट गया, 3 × 9 यानी 3 × 12, तो कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में, कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में, कौन, सी, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे दिया हूँ आपके सामने। पांचवा क्वेश्चन है, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3:5 के अनुपात में, यानी ए बी और सी की दक्षता का अनुपात कितना है, 2:3:5 के अनुपात में, यानी कि इनकी एफिशिएंसी दी हुई है ये 2:3:5 के अनुपात में दी हुई, ठीक है। वे एक कार्य को एक साथ मिलकर 6 दिनों में करते हैं, यानी कि तीनों अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, 3 दिनों में काम, मतलब 6 दिनों में काम क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब देखना है आपको, पूरा कर लेते हैं। ए अकेले उस कार्य के 20% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, अकेले
ए उस कार्य के 20% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पर देखना, ए की क्षमता कितनी है 2, बी की क्षमता कितनी है 3, सी की क्षमता कितनी है 5। जिसकी जितनी क्षमता होगी वो अपने क्षमता के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तीनों कितने दिन तक काम करते हैं, 6 दिन तक। तो यहाँ पर आप देखिए क्षमता के अकॉर्डिंग कि तीनों जो है एक दिन में काम करते हैं। ये जो क्षमता होती है एक दिन में काम करने की क्षमता होती है, जैसे एक एक दिन में कितना काम कर पा रहा है 2, बी कितना कर रहा है 3, सी कितना कर रहा है 5। तो देख लो तीनों को एक दिन में काम कितना करेंगे, 3, 2, 5 और 5, 10। यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। अब काम हमको करवाना कितना है, 6 दिन तक करवाना है। एक दिन में 10 कर रहे हैं तो 6 दिन में कितना करेंगे, 10 × 60 काम करेंगे। कितना करेंगे, 60 काम करेंगे। टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बोला क्या गया है, ए अकेले उस कार्य के 20% भाग को कितना करेगा। कार्य हमारा कितना था, 60 बोला गया है ए का। तो ए की क्षमता कितनी है, 2, 2 से भाग करो। और 2 कितने कार्य को, 20% कार्य का 20% भाग कितने दिन में करेगा। अब देखना, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई, 6 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यानी तो क्या करेगा, 6 भाग 6 दिनों में क्या करेगा, वो उस कार्य को पूरा कर लेगा। ये किसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, ए का कितना आ जाएगा, 6। अगला देख लीजिए, देखना ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, और सी अकेला उसी को 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी अकेला वही कार्य करने में कितना समय या घंटे समय लगेगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, अब देखना क्या बोला गया है, ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर, देखना जरा, ए तथा बी मिलकर कितना काम करते हैं, 9 घंटे 36 मिनट। ठीक, 36 मिनट। पहले तो आप इसको कर लीजिए, जो 9 घंटे 36 मिनट दिया है, इस मिनट को आप घंटे में चेंज कर लीजिए। ठीक है, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, जब भी हमेशा कोई मात्रक बदलना हो, मिनट हो, घंटे हो, या किलोमीटर हो, मीटर हो, ठीक है, अभी हम 4 समय दूरी से पढ़ाएंगे तो बताएंगे मात्रक कैसे बदले जाते हैं। यह मिनट क्या होता है, छोटा होता है, घंटा क्या होता है, बड़ा होता है। घंटा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, हम मिनट से कहाँ जा रहे हैं, घंटे में जा रहे हैं, यानी छोटे से कहाँ जा रहे हैं, छोटे मात्रक से कहाँ जा रहे हैं, बड़े मात्रक में, बड़े मात्रक में जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, मिनट को बदलने हैं किसमें, घंटे में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मिनट एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट हैं, कितने मिनटों को बदल रहे हो आप, 36 मिनटों को बदल रहे हो, किसमें बदल रहे हो, घंटों में बदलो। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। कितने होते हैं, 60। तो आप छोटे मात्रक से जब भी बड़े मात्रक से जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर भाग होगा। जितने एक घंटे में जितना मिनट होता है, कितना, 60। तो इसको क्या कर दो, 60 से भाग कर दो। अब देखना, 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा, 3/5। 3/5 अगर यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसका मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, और कितना, ये घंटे, और 3/5। इसको अगर सही लिखेंगे तो 9 पंचे 45, 3 48, 48/ कितना हो जाएगा, 5। इसको हम हटा रहे थे, ये क्या हो जाएगा, 48/5। इसको लिख सकते हैं, 9 घंटे 36 मिनट को 48/5। फिर क्या बोला गया है, ए और सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटों में कर सकता है, और सी अकेला उसको कितने घंटों में कर सकता है, 48 घंटों में कर सकता है। बी अकेला वही कार्य कितने, बी अकेला वही कार्य करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। एलसीएम इसके मतलब हर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने एक मान लिया है। हमने बताया था कि आपको कि भिन्न का लाशा कैसे निकलता है, भिन्न का लाशा निकालने के लिए हमने आपको बताया था, भिन्न का जब भी अगर लाशा निकालना हो, भिन्न का लाशा तो क्या होता है, अंश का लाशा, अंश का लाशा बटे हर का
हर का मासा, हर का मासा होता। अगर भिन्न का मासा अगर निकालना हो तुमको तो क्या करना है आपको, अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक, हर का लासा ये ध्यान रखना चाहिए। जब भी फ्रैक्शन वाले में को आ जाए तो अगर लासा निकालना हो या मासा निकालना हो तो भिन्न का लासा जब भी निकले, या लासा मतलब एलसीएम, एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न का लासा निकलेगा तो अंश का लासा बटे हर का मासा, और भिन्न का मासा जब भी निकलेगा तो अंश का मासा बटे हर का लासा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, देखना जरा। अब हमने क्या किया है, 48, 48 का लासा कितना हो जाएगा, तो 48 ही रहेगा। ठीक है, अब मासा कितना हो जाए, 5 और 1 का मासा कितना होगा, 1 होगा। तो ध्यान रखना कि मासा कॉमन होता है, तो 5 और 1 में क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या इसमें, ये तो क्या हो गया, कुल काम हो गया। आप क्षमता निकालें, ए बी की क्षमता कितनी होगी, बस आप 48/5 से क्या करिए, इसमें भाग कर दें, तो क्या 5 ऊपर गुणे में चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्षमता कितनी ए बी की आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सी की क्षमता इसी तरीके से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सी की क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में किससे भाग करेंगे हम, 48 से ही करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 48 करना 48, यानी सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बोला क्या है, अब आइए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखिए। यहाँ पर ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर, ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी और सी मिलकर, यानी कि अगर यहाँ पर हम मान लें इसको अगर 2 ले लें तो ए कितना करेगा, 3 करेगा, यानी कि बी ए और बी दोनों मिलकर काम करने की क्षमता कितनी है, ए 5 है। देखो ए अगर 3 करेगा तो बी कितना करेगा, 2, या तो बी कर सकता है 3 या तो ए करेगा 2, दोनों यानी कि दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं, 5 तो करते हैं, तो हमको 5 ही काम करवाना है। तो ए अगर ए करेगा 3 तो बी कितना करेगा, 2। ठीक है, अब बोला क्वेश्चन में है ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी तथा सी। देखो बी और सी को अगर हम जोड़ें तो बी और सी का काम कितना है, 2 और 1 3, यानी कि ए अकेले उतना काम करता है जितना बी और सी मिलकर। तो बी का कितना है, 2, ए का सी का कितना है, 1, सी और बी को जब मिला दें कितना हो जाएगा, 3। 3 बी और सी मिलकर करते हैं, लेकिन 3 अकेले कौन करता है, ए करता है। यही क्वेश्चन बोला है कि ए उतना कार्य अकेले करता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। बोला गया है बी अकेला वही कार्य कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, 2। बस क्षमता से क्या करिए, हम टोटल काम में भाग कर दिए, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। कितने दिन में करेगा, 24 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, धन्यवाद।